4 मई 2022 नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यू नासा ब्लैक होल सोनिफिकेशन विद रीमैक्स। अब इस आर्टिकल में नासा ने पहली बार एक ब्लैक होल से निकलने वाली आवाज को कैप्चर किया था, जो सुनने में कुछ इस तरह। सुनने में तो बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन एक मिनट, स्पेस में साउंड कैसे? क्योंकि नासा के मुताबिक तो हमेशा यही कहा जाता था कि नो साउंड कैन ट्रेवल इन स्पेस। तो फिर अब क्या हुआ? नासा क्या हमें बेवकूफ बना रहा है, या फिर इसके पीछे कोई मिस्ट्री है? तो अब सबसे पहले तो ये समझने के लिए कि स्पेस में साउंड किस तरह ट्रैवल करता है, हम लोगों को एग्जैक्टली जमीन पर वापस जाना होगा, ये समझने के लिए कि आखिर जमीन पर साउंड कैसे ट्रैवल करता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एक मीडियम प्रेजेंट होता है, जिसको हम हवा कहते हैं। तो अब होता कुछ यूं है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो वो एक स्पेसिफिक वे में वाइब्रेशन पैदा करती है, और ये वाइब्रेशन उसके आसपास मौजूद एयर पार्टिकल्स में पास हो जाता है, और फिर उसके बाद वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा, फिर उसके बाद वाला होगा, और इसी तरह से साउंड प्रोपगेट हो जाता है। लेकिन हमें तो हमेशा से यही कहा जाता है कि स्पेस तो वैक्यूम है, मतलब वहां पर कोई मीडियम तो होता ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्स में कंप्लीट वैक्यूम जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, हर जगह कोई ना कोई पार्टिकल जरूर मौजूद होते हैं जो कि साउंड को प्रोपगेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोपगेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता कि आप और मुझ जैसे लोग इस साउंड को एक्सट्रैक्ट कर पाए। इसीलिए साइंटिस्ट एक खास प्रोसेस का यूज करते हैं, जैसे कि सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब स्पेस वैक्यूम तो होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी किस्म की वेव्स की कोई कमी नहीं होती है, जैसे कि रेडियो वेव्स, प्लाज्मा वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और शॉक वेव्स बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अब साइंटिस्ट इन वेव्स के पैटर्न, प्रेशर और दूसरे डेटा को जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप और दूसरे ऑब्जर्वेटरी की मदद से कैप्चर कर लेते हैं, और अब नॉन ऑडिबल डेटा को ऑडिबल साउंड के वेरिएबल जैसे कि फ्रीक्वेंसी, रिदम से मैच कराया जाता है, जिसके बाद नॉन ऑडिबल डेटा को साउंड में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ये साउंड इस फ्रीक्वेंसी में होता है कि हम नॉर्मली इंसान सुन नहीं सकते, और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है ताकि ये हम इंसानों के सुनने लायक बन जाए, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाया जाता है। चलो जी, इतना तो समझ में आ गया कि आखिर हम स्पेस में साउंड को सुन किस तरह पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर नासा ने ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर कैसे किया। अब जिस ब्लैक होल को साउंड को नासा ने कैप्चर किया है, वो दरअसल एबेल 426 गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है, जो कि जमीन से तकरीबन 24 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। अब क्योंकि इस गैलेक्सी क्लस्टर में गैस के क्लाउड्स बहुत ही ज्यादा हैं, इसी वजह से ब्लैक होल से निकलने वाली वेव्स का प्रेशर आसानी से प्रोपगेट हो। वैसे तो नासा की चंद्रा ऑब्जर्वेटरी 2003 से ही इसे ऑब्जर्व कर रही थी, और फिर आखिरकार सोनिफिकेशन के जरिए फाइनल इनके इस वेव से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी को ऑडिबल साउंड में बदल दिया गया। लेकिन इसे इंसानों के लायक सुनने बनाने के लिए इसे ओरिजिनली फ्रिक्वेंसी को तकरीबन 144 क्वाड्रिलियन से 288 क्वाड्रिलियन टाइम बढ़ाया गया। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि 1 क्वाड्रिलियन का मतलब होता है एक के पीछे 0000000000000 यानी कि 15 जीरो। मतलब सोचो कि ये साउंड कितना ज्यादा धीमा था, और इतना कुछ जानने के बाद क्यों ना हम उस साउंड को दोबारा से सुने। काफी क्रीपी सी आवाज है ना? वेल, नासा के ऑफिशियल्स का भी यही कहना है, और दूसरे नॉर्मली इंसानों का भी। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे एलियंस चिल्ला रहे हो, तो कोई इसको शैतान की आवाज से कंपेयर कर रहा है। लेकिन आप ब्लैक होल की साउंड को सुनकर कोई अपना प्रिस्क्रिप्शन ना बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप M87 जैसे दूसरे ब्लैक होल्स की साउंड सुने, तो वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग और सूदिंग है। M87 वही ब्लैक होल है जिसे 2019 में डिस्कवर किया गया था। स्टीवन हॉकिंस जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्लैक होल की स्टडी में गुजार दी थी, इस ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज को देख भी नहीं पाए थे। स्टीवन हॉकिंस वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक के स्पेस के कई कॉन्सेप्ट्स को हमें समझाया है, और इसका साउंड भी चंद्रा एक्सरे से ही कैप्चर किया गया था। तो चले आए, जहाँ ब्लैक होल्स की बात हो रही है, वहीं पर ही हम दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स की भी साउंड सुन रहे हैं।
ये तो बहुत ही रिलैक्सिंग साउंड्स हैं। स्पेस की इन सारी की सारी साउंड्स को भी सोनिफिकेशन को यूज करके ही ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट किया गया है। अब स्पेस के साउंड को कैप्चर कर पाना और उसे कानों से सुन पाना, ये हम इंसानों की लगातार इंक्रीज होती हुई टेक्नोलॉजी को दिखाता है। हमारे एडवांस टेलीस्कोप ब्लैक होल्स की मिस्ट्री समझाने में लगे हुए हैं और अब तो इसमें पीछे पीछे जेम्स वेब टेलीस्कोप भी शामिल हो चुका है, जिससे हमें रिसेंटली यूनिवर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजेस शो की है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में जेम्स वेब टेलीस्कोप इससे भी बड़ी बड़ी स्पेस डिस्कवरी करने वाला है और इसमें से एक ब्लैक होल सीड्स को एक्सप्लेन करने का भी है। लेकिन एक सेकेंड, अब ये ब्लैक होल सीड्स क्या होता है? वेल, ये मिस्ट्री है सुपर मैसिव ब्लैक होल की और उसकी शुरुआत की। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल्स दरअसल मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने के बाद बनते हैं। तो यूनिवर्स के मैसिव ब्लैक होल्स को यूनिवर्स की टाइमलाइन में अगर रखें तो इतने फॉर्मेशन में बिलियन ऑफ ईयर्स लगने चाहिए थे, जो कि रियलिटी में हमें नहीं दिखता। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एंशिएंट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जिनकी एज बिग बैंग से कुछ करोड़ों साल ही कम है, वो कैसे बने? वेल, इसके बारे में काफी सारी थ्योरीज तो हैं, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब जब जेम्स वेब मैदान में उतर ही गया है तो एंसर सुपरनोवा को डिटेक्ट भी करेगा और उसको स्टडी भी करेगा और हमारी कई चीजों को पलट के रख देगा और क्या पता यूनिवर्स की स्टार्टिंग को भी रीडिफाइन कर दे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।